अल्लाम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 74 जो कि स्किन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है उसको देखते हैं कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, और यहाँ पर जिसने उसने बताया हुआ है यहाँ पर नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर नियर अबाउट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ 99.5 टू 97 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, ठीक है। और इसने मुख्तलिफ जगह बताया कि रेक्टली कितना मेजर किया गया, ओरली कितना मेजर किया गया। ऐसे एक ना इसमें से जो मैंने हाईलाइट किया बस उसे तैयार कर लिया ना फिर। इसके बाद यहाँ पर उसने बताया कि अगर एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, या अगर लो हो रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, ये टॉलरेबल रेंज में है, तो ये इस पॉइंट को देख लीजिएगा। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, अच्छा इसमें ना ज़्यादातर एमसीक्यूज ही आते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा है टॉपिक, या जो एससीक्यू उसके लिए कौन सा टॉपिक है। फिलहाल सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आप लोग देखें। बॉडी टेम्परेचर इज कंडक्टेड बाई बैलेंसिंग हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, एक मतलब रीड कर लेना बस काफ़ी है। और हीट प्रोडक्शन यहाँ पे ना हीट प्रोडक्शन के आपको वेज आने चाहिए, 3-4 यहाँ पे वेज लिखे हुए हैं। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, तो इससे आपने एक मतलब रीड कर लेना। इसके लिए मैं ना RI यूज़ करता हूँ, रीड कर लेना इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पर उसने फिर हीट लॉस मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं, इसको भी मैं कहूँगा कि रीड कर लें, इंफॉर्मेटिव है। और जहाँ जहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा। इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये सारे ना एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको। इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी, इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी यहाँ पे 2-3 पॉइंट उसने हाईलाइट किए हुए हैं, कौन कौन से जो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि आपकी बॉडी के हीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं या रेगुलेट कर रहे होते हैं या उसको निकलने नहीं देते बाहर। ये मैकेनिज्म उसने यहाँ पे बताए हुए, तो इसे भी रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा ब्लड फ्लो टू द स्किन फ्रॉम द, अच्छा इसमें ना इसने वैजो डायलेशन वैजो कंस्ट्रक्शन वगैरह का बताया हुआ है, एक जो है वैजो डायलेशन हो, एक का वैजो कंस्ट्रक्शन होगी। मैं नसी काफ़ी से रीड कर लिया ना फिर, वैसे ऐसे इसमें कोई बात नहीं है। कंट्रोल ऑफ हीट प्रोडक्शन टू द स्किन वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर इसमें भी बताया हुआ वैजो कंस्ट्रक्शन वैजो डायलेटर सिस्टम वगैरह का, फिर से भी रीड कर लीजिएगा। मेन चीज़ इसकी ना इसकी हेडिंग में ही है कि कंट्रोल ऑफ द हीट कंडक्शन टू द स्किन बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा बेसिक फिजिक्स ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द स्किन सरफेस, मतलब रीड कर लेना बस, ये 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए यहाँ पर। और इसके अलावा रेडिएशन कॉजेज लाइट हाउस इन द इंफ्रारेड रेज, ऐसे इसको ना भी करें तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं इसका, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टिव हीट लॉस अकर्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, इसको भी आप ना एक मतलब रीड कर लीजिएगा, वैसे ऐसा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कूलिंग इफेक्ट ऑफ विंड रीड करना है सिर्फ, और कंडक्शन कन्वेक्शन रीड करना है, ऑपरेशन रीड करना है एंड ऑपरेशन नेसेसरी मैकेनिज्म, अच्छा इसमें ना इसने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो मैं कहूँगा कि रीड कर लें, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है।